ओम श्री साईनाथाय नमः। तो आइए आज हम पहुंच गए संकल्प 11 पर। संपूर्ण करने का समय आ गया है, तो जो भी संकल्प है उन्हें एक बार फिर से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में उनको अपनाइएगा, ठीक है। तो संकल्प 11 में हम बाबा का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि जब हमारी लाइफ में हमें कोई एक पेन भी उठाकर देता है ना, तो हम उसको बदले में यही कहते हैं कि थैंक्स, धन्यवाद, आपका शुक्रिया। तो क्यों ना जिसने हमारी सांसों को बचा कर रखा है, पल पल हमें एक दुर्घटना से तुरंत बचा लेता है, इतने दुख आते हैं फिर भी हम उसको पार करके निकल जाते हैं, तो कौन निकालता हमें? हमारा बाबा, हमारे साईं, वही निकालने आते हैं ना हमें, वरना तो हम उलझे ही रहेंगे हमेशा, कभी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन नहीं, एक बुरे वक्त से अच्छे वक्त में लाकर हमें खड़ा कर देते हैं हमारे बाबा। तो आइए आज अपने साईनाथ को शुक्रिया करते हैं कि देवा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी सांसों को बचा कर रखने के लिए इतने कठिन समय में बाबा आपने हमें कुछ नहीं होने दिया, आज तक नहीं आई हमें बाबा, उसका शुक्रिया। हमारे विश्वास ने आपको जीता, आपने हम पर कृपा की, उसका शुक्रिया। आप हमारे पूरे परिवार पर अपनी रहमत बरसाते रहते हो देवा, उसका शुक्रिया। जिंदगी भर मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। मेरे परिवार में हंसी खुशी बनाए रखने के लिए शुक्रिया बाबा। मेरे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान देने के लिए शुक्रिया देवा। मुझे श्रद्धा सबूरी का पाठ सिखाने के लिए शुक्रिया बाबा। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया बाबा। आपका लाख लाख शुक्रिया बाबा। जो भूल गई हूँ उस बातों का भी शुक्रिया देवा। ना जाने इस शुक्रिया में मैंने साईं को कितनी बार याद किया है ना, ऐसे तो याद किया जाता है बाबा को। जितनी बार भूल से भी किसी के मुंह से अगर साईं निकल जाता है ना, तो वो बाबा ही निकलवाते हैं, क्योंकि बाबा की इच्छा के बिना, हमारे शुभ संस्कारों के बिना हम साईं के हो ही नहीं सकते। बाबा तय करते हैं हमारा उनके करीब जाना है कि नहीं जाना है। थैंक यू सो मच बाबा, हमें अपने करीब बुलाने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। ऐसे ही आगे हम चलते रहें और आप हमें शिक्षा देते रहो। ओम साईं राम, जय साईं राम, साईं शुभ रात्रि। और ये संकल्प रोज रात को सुना करो, क्योंकि शुक्रिया करना बहुत जरूरी है, शुक्रिया करना ही पूजा है। ओम साईं राम, जय साईं राम, साईं शुभ रात्रि। बहुत जल्दी फिर से पार्ट 3 आएगा संकल्पों के साथ। ओम साईं राम, जय साईं राम। आपको संकल्प कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कब अगला पार्ट 3 आए वो भी मुझे बताइएगा। ओम साईं राम, साईं शुभ रात्रि। आने वाला दिन शुभ हो, मंगलमय हो।